Hey guys, welcome back to our channel. और guys, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में. Guys, आज की वीडियो हम कुछ इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे. और guys, आज के वीडियो में हम तीन सवालों का जवाब देंगे. पहला, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है. दूसरा, वो कैसे काम करता है. और तीसरा, वो हम क्यों यूज करते हैं. ये तीन क्वेश्चन के हम जवाब देंगे. तो फिर आखिरी तक बने रहिएगा. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है और किसने इन्वेंट किया. सो गाइस, गुलियोमो मार्कलोनी ने 1894 में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इन्वेंट करा था. सो गाइस, व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क. सो गाइस, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब है कि ये एक टाइप का कम्युनिकेशन है जिससे डाटा को एक डिस्टेंस से भेजा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रिक सिग्नल के हेल्प से. तो गाइस, अब तक हमने समझ लिया है कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है. तो अब हम समझते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क डेटा कैसे ट्रांसफर करता है. अब सो गाइस, तो ये जो डेटा कैसे ट्रांसफर होता है ये हम दो स्टेप्स में समझें. स्टेप वन, जब हम कॉल करते हैं किसी को, वो जो बोलता है वो रेडियो वेव के थ्रू बेस स्टेशन में जाता है. बेस स्टेशन का मतलब है टावर. और अगर आपको बेस स्टेशन, टावर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हमने इसके बारे में एक वीडियो बनाई है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड इन आई बटन. और चलो आगे बढ़ते हैं. तो जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है वो इनडायरेक्टली रेडियो वेव की वजह से. स्टेप टू, अब गाइस हम स्टेप टू में समझेंगे कि इंटरनेशनल कॉल की प्रोसेस कैसी होती है. तो इंटरनेशनल कॉल की स्टेप से सेम होती है, सिर्फ वो सैटेलाइट से कनेक्ट होती है. यूजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क. टेलीकम्युनिकेशन इज द वेरी इम्पोर्टेंट एलिमेंट फॉर द बिजनेसेस. टेलीकम्युनिकेशन इज द की एलिमेंट इन अलाउइंग एम्प्लॉयज टू कोलैबोरेट इजीली फ्रॉम वेयर दे. टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क. फैक्ट वन, द लॉन्गेस्ट फोन केबल इन द वर्ल्ड कनेक्ट्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जापान.